हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तलत महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गल्ला शौक दी। गल्ला शौक दी में मैं आज आपको लेके आया हूं सादेगाबाद की मवेशी मंडी बकरा मंडी में लेके आया हूं। आज दिन है बुध का और तारीख है 6 दिसंबर। तो अभी हम मंडी के अंदर मौजूद हैं और दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को बहुत ही प्यारे प्यारे जानवर आए हुए हैं यहाँ पे। नायाब किस्म की बकरियाँ आई हुई हैं, बकरे आए हुए हैं। मेरा कैमरामैन अभी आपको दिखाए, मेरे दोनों अतराफ में बहुत ही प्यारे बकरे खड़े हैं। तो एक साइड पे वाइट खड़ा है और एक साइड पे मैरून कलर खड़ा है, वो भी दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को। और यहाँ से पहले हमने आपको दिखाए बड़े जानवर और यहाँ से अभी जो है ना गाड़ियाँ लोड होके जा रही हैं। एक जो बकरा खड़ा है वो भी बहुत ही प्यारा है, भाई लेके आए हैं। ये देखें जी, चला फिरा के दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को। माशाल्लाह देखें, बहुत प्यारा है जी, मैरून कलर का है, देसी नस्ल है। भाई से बात भी करेंगे, रेट जानेंगे इनके, तो पूछते हैं भाई से इनका रेट। अस्सलाम वालेकुम भजन। वालेकुम सलाम, ठीक है, शुक्र है दुआ अल्लाह दी रहमत। कौन सी नस्ल है ये? ये नस्ल देसी है सी। अच्छा, क्या रेट मांग रहे हैं? 85,000। अगर कोई भाई लेना चाहे कमी पेशी भी करेंगे? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेगा। मोबाइल नंबर है आपका? 0324-390-3533। नाम? नसीर अहमद। नसीर अहमद जी, नाजरीन नसीर अहमद भाई का ये नंबर भी है, रेट भी मेंशन किया, नंबर भी मेंशन किया। अगर कोई भाई लेना चाहेगा तो भाई कमी बेशी भी कर देंगे। थैंक यू। घूमें ना जो लगे, प्यारे प्यारे बड़े छोटे जानवर खड़े हैं, ये भाई खड़े हैं, ये देखें जी सेल्यूट कर रहे हैं। हमदा भी ये देखें आगे ही बेचे आगे क्या हो? निकई आगे तेरा या निकई आगे। ये देखे यहाँ पे हर किस्म के बकरे बकरियाँ भेड़ खड़े हुए हैं, व्यापारी ये आए हुए हैं, बकरियाँ आई हुई हैं, छोटे बड़े जानवर यहाँ पे मौजूद हैं मंडी के अंदर। इस टाइम हम अवेल हैं और दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को बकरियों का शौक दिखा रहे हैं मंडी के अंदर। इस टाइम आए हुए हैं, हमने बकरा दिखाया पीछे, बहुत प्यारा बकरा खड़ा था। उसके अलावा आग भी आगे चल रहे हैं, यहाँ पे भेड़ें भी खड़ी हैं और देखिए भेड़े छतरे बकरे बकरियाँ पट्ठे। और इसी तरह से दिखाते चलेंगे अंदर का माहौल। वहाँ यहाँ से भी गाड़ियाँ लोड होके निकल रही हैं अंदरून पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोडिंग के लिए गाड़ियाँ आती हैं, माल ख़रीद करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं जी। हम इस टाइम मंडी के अंदर मौजूद हैं बकरा मंडी में और अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। ये नाज़रीन देखें, यहाँ पे बकरियाँ खड़ी हैं और दो छोटे छोटे बकरे भी खड़े हैं, लेले खड़े हैं माशाल्लाह। इसके अलावा आगे एक बकरी खड़ी है, दूध से भरे थन है माशाल्लाह, वो भी दिखाएंगे अपने व्यूवर्स को। बहुत ही प्यारे प्यारे थनों के साथ है, अच्छा माहौल है, छोटे बड़े बकरे बकरियाँ। ये देखें इसके छोटे छोटे फल खड़े हैं और बकरी भी खड़ी है। इस टाइम मंडी में मौजूद हैं, देसी बकरी है और दो फलों के साथ माशाल्लाह, दूध के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। भाई ने दूध रोका हुआ है, उसको अभी नहीं पीने दे रहे। और एक चाचा हैं बीच में घुस रहे हैं, नहीं नज़र आ रहा उनको आगे पीछे। ये देखें जी, बहुत अच्छी बकरी है, भाई से बात करेंगे, जानेंगे इसका रेट्स। अच्छा, कौन सी नस्ल है ये? ये हासलपुरी में है। अच्छा, क्या रेट मांग रहे हैं इसका? हासलपुरी है, लेले नागराज लेला इसके ऊपर डलवाया था, क्रॉस करवाया था। और क्या मांग रहे हैं इनका? इसका 85 मांग रहे हैं। 85 मांग रहे हैं बकरी। और ले लिया मेल फीमेल है इनके बच्चों में से, तो अगर कोई भाई लेना चाहे कमी बेची करेंगे? जी जी, अभी मंडी पर लग रहा है 55-56, कम कर देंगे कोई लेना चाहे। मोबाइल नंबर है आपका? जी हाँ, बताएँ। 0302-76-47-431। मुश्ताक अहमद मेरा नाम है। जी ना देने, मुश्ताक भाई का नंबर है, उन्होंने रेट बताया आपको, मंडी में जो लग रहा है वो भी बताया। हालांकि इस तरह से नहीं बताते होते, भाई ने सीधी बात की है कि ये मांग रहे हैं, ये लग रहा है, अगर कोई भाई लेना चाहे तो मोहब्बत भी करेंगे। इसके अलावा और भी माल होता है? हाँ होता है माल, अभी कुछ बिक गया है माल, फिलहाल यही है। फिलहाल यही है जी नादर, मुश्ताक भाई का होता है। अच्छा, हासिलपुरी होता है और दूरी जी नादर, हर तरह का व्यापार करते हैं, लेकिन इस टाइम भाई के पास यही अवेल हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं जी। इसके अलावा ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, इस तरह
बकरियों के साथ बमाए फल आए हुए हैं, छोटे छोटे फल आए हुए हैं, ये दिखाएं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है करीब करके। उसके अलावा गुलाबी फल भी हैं, वो भी दिखाएंगे। देखें जी माशाल्लाह देसी बकरी है, उसके फल हैं, और पीछे गुलाबी मक्खी चीनी बकरी है, और इसके साथ फल आए हुए हैं छोटे छोटे, बहुत अच्छे हैं जी माशाल्लाह, खूबसूरत हैं। मेरा कैमरामैन दिखा रहा है, और मक्खी चीनी आसिरपुरी बकरी खड़ी है माशाल्लाह, काफ़ी प्यारी प्यारी बकरियां आई हुई हैं, ये देख लेंगे जी, देसी बकरी है, ये भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे इस तरफ ब्लैक खड़ी है, पीतल नस्ल की बकरी है, उसके अलावा सामने देसी आसिलपुरी बकरी खड़ी है, बहुत अच्छी है, दूध में अच्छी है। और हम आपको दिखा रहे हैं गल्ला शौंक दी में, बकरियों का शौंक, बकरा मंडी माशाल्लाह, यहाँ पे काफ़ी व्यापारी आए हैं, ख़रीद फरोख्त भी हो रही है, सौदे भी बन चुके हैं, और कहीं पे रेट्स तय हो रहे हैं, कहीं पे हो चुके हैं, किसी ने ले लिया है, किसी ने बेच दिया है। मंडी में इसी तरह का माहौल होता है, ये देखें ये झुंड खड़ा है, बहुत अच्छे अच्छे हैं, छोटे बकरे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो है ना ईद आएगी, अगली ईद के लिए तैयार होंगे। तो अभी हम आगे चलते चलेंगे, दिखाएँगे, ये देखें यहाँ पे ये राजनपुरी नस्ल के खड़े हैं दो बकरे, छोटे छोटे खड़े हैं। आज बड़े जानवरों वाली मंडी के व्यापारी काफ़ी हद तक खुश थे, उन्हें लग रहा था कि भाई इस मंडी में टर्न आउट अच्छा रहा है, खरीद फरोख अच्छी थी। ये देखें जी यहाँ पे पानी शानी का निज़ाम है, खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं। तो आगे चलते चलेंगे और कुछ चंद भाइयों से रेट्स जानेंगे, बताएंगे अपने व्यूवर्स को। कल शौंक दी में बकरियों का शौंक, बकरे बकरियां, राजनपुरी हासिलपुरी बकरियों का शौंक दिखाएंगे, बहुत प्यारा शौंक। देखिए जी इसके अलावा सामने खड़ी हैं हासिलपुरी बकरे खड़े हैं छोटे, तकरीबन 4 से 6 महीने के बकरे खड़े हैं, तो दिखाएँगे अपने व्यूअर्स को। देखें माशाल्लाह, ये देखें जी ये मक्खी चीनी है, लेकिन देसी हैं, प्योर में नहीं है, क्रॉस खड़ी हैं यहाँ पे, यहाँ पे भेड़ें बैठी हुई हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे नाज़िर हैं। सादिकाबाद मवेशी मंडी, दिन है बुध का, और दिन है 6 दिसंबर। आज हम अपने व्यूअर्स को ले के आए हैं सादिकाबाद बकरा मंडी में, 2 मंडियाँ लगती हैं, 2 साइडों पर, एक साइड पर जो है ना बड़े जानवर होते हैं, और दूसरी साइड पे छोटे बकरे वगैरह और बकरियां होती हैं। बात करेंगे माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बकरा है, राजनपुरी नस्ल का है, भाई से बात करेंगे, रेट्स जानेंगे, और भाई का नंबर भी मेंशन करेंगे। तो अभी जानते हैं भाई से इनका रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान, अच्छा, राजनपुरी है माशाल्लाह। जी जी, क्या मांग रहे हैं इसका? ये हमने ख़रीदा है, यहाँ खरीदा है जी माशाल्लाह। कितने में? 70 में। ये नाज़रीन देखेंगे, जैसा कि बड़े जानवरों में भी टर्न आउट अच्छा था, और छोटे बकरों की जानिब जा आए हैं, यहाँ पे भी टर्न आउट अच्छा है, भाई ने ख़रीदा है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा है, अल्लाह पाक इनके नसीब में करे। तो अभी यहाँ से आगे चलेंगे और जानेंगे, और भाइयों का रेट्स भी बताएँगे आपको। जी तो नाज़रीन, इस टाइम हम मोहम्मद शफीक भाई के पास आए हैं माशाल्लाह, इनके पास बहुत ही प्यारे बकरे खड़े हैं, भाई से बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, 3 लेके आए हैं और तीन? नहीं, 12 थे, बाकी 3 रह गए, 9 बिक गए जी माशाल्लाह। देखें जी, जैसा कि बड़े जानवरों की तरफ भी यही टर्न आउट अच्छा था, और छोटे जानवरों की तरफ भी ऐसे ही अच्छा है माशाल्लाह, भाई 12 लेके आए थे, 9 बिक गए हैं, 3 रह गए हैं, ये भी अल्लाह के करम से कुछ देर में बिक जाएंगे इंशाल्लाह। तो भाई से बात करेंगे, जानेंगे मंडी का अहवाल भी जानेंगे, और रेट्स भी जानेंगे। तो कैसी रही आज मंडी भाई जान? मंडी अच्छी रही है, क्योंकि पिछले साल की हाल अहवाल दे रहा हूँ कि 2 साल का बकरा रुका हुआ था, पिछले साल में सब बिक गया है, इंशाल्लाह इस साल बाज़ार अच्छी बनेगी, और बकरे को भी रेट लगेगा, जिस भाई ने लेना है वो ले ले, सही है इंशाल्लाह। 2 साल